हे गाइस, तो मेरा नाम है जैन और आपका वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम माइनिंग के लिए जाने वाले हैं और अपने लिए एक दोस्त को ढूंढने वाले हैं और हम बात भी करने वाले हैं 1.17 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम अपना क्या नाम है डॉग को ढूंढने वाले हैं, अपने पेट डॉग को, ताकि हम थोड़ी आपको पता ही है क्या करना है उस पेट डॉग के साथ। लाल तो हमने लास्ट टाइम एक इधर डॉग देखा था इन जंगलों के अंदर। बाय द वे, मैंने 1.17 की अपडेट के बारे में सुना है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे, लेकिन ये मसला लग रहा है कि केव पानी से बहुत भरे होते हैं, मतलब केव बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हैं। मैंने अपना जावा वर्जन निकाला और 1.17 के स्नैपशॉट के अंदर चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे। ओ भाई, हेयर यू गो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ भाई, आ जा, कितना प्यारा है तू, कितना प्यारा है तू, मेरे साथ चल, हम लोग तुझे लेकर जाते हैं। ओके, तो मैंने सुना है 1.17 की अपडेट के अंदर स्ट्राइडर मोब आ रहा है और एक नई तरह की फिश भी आ रही है, तो उसको देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। नए मॉब्स वो भी अपडेट्स के अंदर तो आजकल बहुत आ रहे हैं, मतलब 1.16 की अपडेट के अंदर कितने सारे नए मॉब आए थे ये तो हम लोगों को पता ही है। जो क्या नाम है यार, हाँ स्ट्राइडर मॉब भी था, आई थिंक गार्डियन मॉब आ रहा है 1.17 के अपडेट में, पता नहीं, वो बड़ा सा जो चौड़े सीने वाला मॉब है वो आ रहा है, तो वो आ रहा है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। और हमने सोचा हुआ है कि हम 1.17 की अपडेट जब आएगी ना उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे एक अच्छी सी। मैं पॉकेट एडिशन के चेक कर रहा था मोड्स थे, लेकिन पॉकेट एडिशन में, आ जा भाई तुझे क्या हो रहा है, तुझे खाना दूंगा, आ जा। तो अब पॉकेट एडिशन के अंदर उसके 1.17 के जो थे ना वो मॉब्स थे, बहुत ही अच्छे लगे मुझे, लेकिन केव बहुत ही ज़्यादा आला किस्म के लग रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवीली, मतलब कंस्ट्रक्टेड केव थे, बहुत ही ज़्यादा जैसे बिल्डर्स ने बनाए होते हैं एकदम वैसे केव थे। और मैं अपना घर का रास्ता भूल गया हूँ क्या, इधर कहीं पर नज़र आ रहा था वो रहा, आ जा मैं तुझे मिलाता हूँ लोगों से, इन लोगों से। तो एक्चुअल में मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी केव अपडेट, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि हम ज़्यादा वो केव अपडेट पे वीडियोस बनाएंगे। ये बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है, मर जा मर जा, मेरा तो कुत्ता भी तुझ पे भौंकता है। ओके, तो इधर आओ डॉग, मैं तुम्हें फ़िलहाल के लिए डॉग बुलाऊँगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारा नाम रख दूँगा, फिक्र ना करो। ये है हमारा जो वाइट वाला घोड़ा है, ये है सेट, सेट सेट हमारी लास्ट वीडियो में था, ठीक है। और ये है हमारा लैंडर और ये बंटी बबलू, ये दोनों बहुत शरारती हैं, इनसे बच के रहना, तुम पे थूक भी सकते हैं, तो उठ जाओ, ये खाओगे, ये लो, गुड गुड बॉय, आ जाओ अंदर आ जाओ, मेरे प्यारा डॉग, आ जा और इधर बैठ जाओ, कितने दिल निकल रहे हैं तुझसे, अंदर तेरे अंदर से, तेरा दोस्त भी लाएंगे हम, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, यार मुझे बाहर निकलने दो। तो ये हमारा डॉग होगा, इसका नाम हम ज़रूर रखेंगे फ्यूचर के अंदर। और अब हम फ़िलहाल के लिए चलते हैं माइनिंग करने और कुछ खाना भी ले चलते हैं। A few moments later. Okay guys, तो हम अपनी कूल माइंस के अंदर आ गए हैं। हमने अपने डोगू को पीछे ही छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डोगू मेरे साथ मिलकर माइनिंग करे, बहुत ही ज़्यादा अजीब होगा वो। तो हम साथ साथ बात करने वाले हैं 1.17 की अपडेट के बारे में और हम साथ साथ ही स्ट्रिप माइनिंग करने वाले हैं कि ताकि हमें थोड़े से डायमंड्स मिल जाएं। और मैं लैदा से एक लाइव स्ट्रीम भी करने की कोशिश करूँगा कि हम लाइव स्ट्रीम करें किसी SMP के अंदर। मैंने SMP के लिए थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की है, तो हम बहुत जल्दी किसी SMP और में जाएंगे। हाँ, हमारी जो अपनी SMP होगी, उस SMP के अंदर
हम बाद में लोग लाएंगे जब थोड़े हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरी SMP। तो फिलहाल के लिए तो नहीं SMP हम कोई ज्वाइन कर रहे, मैंने जंगल SMP के लिए बात की थी लेकिन मुझे इतना श्योर नहीं हूँ कि हम उसको ज्वाइन कर पाएंगे और हम उसको बिल्कुल एकदम कोई भी कर पाएंगे, मतलब कुछ भी उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे फिलहाल के लिए। लेकिन हम कोई भी SMP ज्वाइन करेंगे और मल्टीप्लेयर तो बिल्कुल ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बस, और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि SMP के अंदर इनवाइट होना खुद भी बहुत एक बहुत ही अपना टैलेंटेड काम है। आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और मुझे सब्सक्राइब ठोको, लाइक करो वीडियो को, और आप लोगों ने बस इतना ही करना है। तो हम बात कर रहे थे 1.17 की अपडेट के बारे में। 1.17 में जो अपडेट आ रही है, मैंने सुना है उसके अंदर हमें स्ट्रिप माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायमंड ऐसे पड़े होंगे जैसे कोर आयरन पड़ा होता है। लेकिन एक नई और भी आ रही है जिसका नाम होगा कॉपर ओर। कॉपर ओर मुझे ज़्यादा पता नहीं है, शायद वो बिल्डिंग एक्सपेक्ट के लिए हो कॉपर ओर। मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि उसका कोई आर्मर वगैरह कोई ऐसा नहीं बन रहा था, तो आई थिंक के कॉपर ओर बिल्डिंग करने के लिए ही है, यानी कि कॉपर के ब्लॉक से बिल्डिंग क्यों करेंगे, मतलब यार कुछ भी। लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि वो बहुत ही गेम चेंजर ब्लॉक्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करते हैं और अच्छे है वो ब्लॉक्स, तो हम उनको भी यूज़ करने वाले हैं। देखो स्ट्रिप माइन से कितना फ़ायदा हो रहा है यार, इस माइन से मतलब कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैं कुछ टॉर्चेस भी स्पेयर लाया था ताकि हम साथ साथ टॉर्चेस भी लगाई जाएं। और गाइस मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि जो नया गार्डियन मॉब आ रहा है और जो नए सेंसेस सेंसर ब्लॉक्स होते हैं ना, वो स्कल सेंसर्स यार स्कल स्कल सेंसर्स गजब बेइज्जती है। आ रहे हैं जो नए, वो भी बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने वाले हैं क्योंकि वो हमें सेंस कर सकते हैं और ट्रैप्स वगैरह तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बनेंगे उनसे। और हमें इधर शायद लेपिस लेपिस मिला है भाई, लेपिस मिला है, लेपिस लेट्स गो, लेपिस लेपिस मिला है। अगर हमें डायमंड मिल गए तो हम अपने लिए एक इंचेंटमेंट टेबल बनाएंगे, हमारे पास बहुत सारे लेवल्स हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होने नहीं वाली, मतलब मज़ा आ जाएगा यार। और हमें बुक शेल्फ्स की भी बहुत ज़रूरत होने वाली है, मतलब आगे फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा आला होने वाली हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। और यार मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी आगे करके, माइनिंग करने के बाद जब मुझे लावा का पूल वगैरह कुछ मिल जाएगा फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके गाइस, तो इतनी सारी स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद, इतना सारा कोबलस्टोन माइन करने के बाद हमें डायमंड्स मिल गए हैं यार, तो डायमंड माइन करते हैं। और कितना यार सेटिस्फाइंग होता है डायमंड को माइन करना, मतलब मज़ा आ जाता है यार। डायमंड ले लेते हैं सारे के सारे, आई थिंक 4 डायमंड्स हैं, चेक कर लेते हैं, और भी नहीं बस 4 डायमंड्स ही हैं। और हम थोड़ा सा आगे स्ट्रिप माइनिंग करते हैं ताकि हमें और डायमंड्स मिल सके। 4 डायमंड्स हो गए, यस लेट्स गो। ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे लावा मिल गया है और हमारी पिकैक्स भी सारी टूट गई हैं और हमारे पास सिर्फ एक आयरन की पिकैक्स है जिसे हमने ओर्स माइन करनी है। कोबल स्टोन हमने कोबल स्टोन की पिकैक्स से ही माइन करना है, तो हम यार क्या करेंगे, लावा आ गए तो हम अपने लिए पिकैक्स माइन करके लाते हैं और ये लावा को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये डेड एंड जैसा कुछ लग रहा है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके गाइस, तो हम दोबारा से आ गए सब्सक्राइबर बोर्ड पर और आज हम एक सब्सक्राइबर चूज़ करने वाले हैं। तो आप पूछोगे जैन तूने ये वीडियो के शुरू में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैं दरमियान में दिखाना चाहता था, बस दिखाना चाहता था ना बाद में, ताकि बस पूरी वीडियो देखो आप। अबे साले, रॉकी हाइब्रिड, रॉकी हाइब्रिड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। VEX X7 को हमने पिछली वीडियो में किया था और आज हम जिनको सब्सक्राइबर बोर्ड में ऐड करने वाले हैं वो है रजा गेमिंग गेमिंग मोड मोड्स नहीं मोड ई ई आता है इसकी जगह, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको सिर्फ अब के लिए इग्नोर करेंगे, अब के लिए उसको इग्नोर करने वाले हैं।
वाइन में वापस आ गए हैं। तो रजा गेमिंग मोड जो थे उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, वो कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मेरी सारी वीडियोस पे और सजेशंस भी देते हैं। तो आपने भी अच्छे से कमेंट करने हैं, सजेशन देने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कर देना है, बस आपको मिल जाएगा सब्सक्राइबर बोर्ड पर अपनी जगह। इतना सिंपल है यार ये, कितना ज़्यादा सिंपल है, मतलब हम मिनटों में कर सकते हैं। तो गाइस हमारे पास हैं पूरे 4 डायमंड और 4 डायमंड से एक पिकेक्स भी बन सकती है डायमंड की, और हमारे उधर ये ऑब्सीडियन भी, आप समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लिंट एंड स्टील ऑब्सीडियन, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, हाँ वही जो भी आपने देखा। गाइस तो हम माइनिंग कर रहे थे और यहाँ पे ये केव के अंदर आकर ख़त्म हो गया और हमने कुछ लैपिस लाजूला लाला ले 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 लिया है और हम इस केव से बाहर निकलते हैं। गाइस तो आपको बैकग्राउंड से कोई भी साउंड नज़र तो नहीं आता, साउंड सुनाई दे रहा हो तो आपने बस इग्नोर करना है यार उसको, वो बस जैसा साउंड आएगा ओके। तो यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया रैंडम लावा केव, यहाँ पे एक रैंडम लावा केव था वहाँ पे ख़त्म होता है और ये हमारे फर्स्ट डायमंड वाली माइन थी। अब हम इस माइन को शुरू करते हैं ओके गाइस। तो हमें इधर से लावा मिला था और डायमंड मिले थे, ये माइन तो बिल्कुल लावा पे ही एंड हो जाती है। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ ना, आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो इतना बड़ा लावा केव है, मैं उसके अंदर बिल्कुल गिरने ही वाला था। मैंने कोबलस्टोन लगाया और मतलब बाहर निकल के लावा के अंदर गिर गया था। मैं ऑफलाइन माइनिंग कर रहा था इसी वजह से मैं वो नहीं कर रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा ओके। मैं इस केव को ब्लॉक करने वाला हूँ ओके गाइस। तो ये वाली माइन एक बहुत ही बड़े केव के अंदर एंड अप हुई है, तो हम इस केव को भी चेकआउट करेंगे बाद में, लेकिन आई थिंक हमें अपनी माइनिंग ट्रिप इधर ही रोक देनी चाहिए। और आप लोगों को पता ही है ना 1.17 की अपडेट बहुत ही ज़्यादा आला होने वाली है और आप लोगों के साथ ट्राई करना चाहता हूँ मैं अपने कंप्यूटर पर, क्योंकि कंप्यूटर पर ही ट्राई करने वाला हूँ मैं जावा एडिशन में। तो अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकें, मुझे 100 सब्सक्राइबर रीच करवा दें तो मैं बहुत ही ज़्यादा आई विल रियली अप्रिशिएट इट। एंड ये कौन सा बंदा भाई, दूर है मुझसे, दूर है मुझसे, वेट, नहीं, स्पाइडर मुझे मारने नहीं वाली शायद, अभी मुझे मारेगी लेकिन मारने से पहले ही मर जाएगी और हम सो जाते हैं। लेट्स गो, ओह शिट, आई थिंक मुझे खाना खा लेना चाहिए, वहाँ पर मैं भी क्रीपर हो यार, ये बंदा मेरे दरवाजे पे मेरा इंतज़ार कर रहा है यार। अभी हम इधर ले जाते हैं और ओके गाइस तो हम अपने पहले डायमंड इधर सजाने वाले हैं क्योंकि वाई नॉट, और ये हमारे लग गया पहला डायमंड और हम इसको कभी भी उतारने नहीं वाले, ये हमारे लिए शान होगा हमारे चेस्ट हाउस की, क्योंकि वाई नॉट ही हमारा पहला डायमंड होगा और हम इसको यूज़ करने वाले हैं ओके। डायमंड मिल गया मुझको, डायमंड मिल गया ओके गाइस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, ओ सही नहीं हुआ, बाय बाय।